गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज अवर EBS क्लास. यस्टरडे वी रेड द चैप्टर नंबर 16, ग्रीन प्लांट्स. नाउ टुडे वी विल कंटिन्यू इट. हमने आपको कल किसके बारे में बताया था? ग्रीन प्लांट्स के बारे में बताया था कि ग्रीन प्लांट्स कुछ बड़े होते हैं, कुछ बिग होते हैं. सम प्लांट्स आर बिग एंड सम प्लांट्स आर स्मॉल. नाउ टुडे वी विल कंटिन्यू इट. सम प्लांट्स आर स्मॉलर देन ट्रीज. अब क्या है, कुछ पेड़ तो बड़े होते हैं और कुछ पेड़ ट्रीज से छोटे होते हैं. दे हैव हार्ड स्टेम्स एंड देयर ब्रांचेज ग्रो नियर द ग्राउंड. वो क्या होती हैं, उनकी जो टहनियाँ होती हैं वो हार्ड होती हैं, उनके स्टेम्स हार्ड होते हैं. एंड देयर ब्रांचेज ग्रो नियर द ग्राउंड, और जो उनकी ब्रांचेज होती हैं ग्रो नियर द ग्राउंड, वो जमीन के नीचे फैली हुई होती हैं. दे आर कॉल्ड श्रब्स. वो क्या कहलाती हैं, वो श्रब्स कहलाते हैं. ये देखिए, ये है रोज, तो इसकी भी क्या है, जो स्टेम्स हैं वो हार्ड होती हैं, तो ये क्या है, ये श्रब्स हैं. ये है मैरीगोल्ड, दिस इज मैरीगोल्ड. मैरीगोल्ड माने गेंदे का जो फूल होता है वो आपने देखा होगा, दिस इज मैरीगोल्ड. दिस इज कॉटन. कॉटन माने रुई का, तो ये है कॉटन का पेड़ है. ओके, अब है सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल सॉफ्ट एंड ग्रीन. और कुछ पेड़ क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और बहुत सॉफ्ट और ग्रीन होते हैं, एकदम मुलायम और ग्रीन होते हैं. दे आर कॉल्ड हफ्स. ये क्या होते हैं, ये हफ्स कहलाते हैं. दे हैव सॉफ्ट स्टेम्स, और उनकी क्या होती है, जो टहनियाँ होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं. जैसे देखिए, ये ग्रास है, ये भी क्या है, स्मॉल है, ये बहुत बड़ी नहीं होती और ग्रीन होती है. ये है मिंट. मिंट माने पुदीना. ये भी क्या है, ये भी स्मॉल है और ग्रीन है. ये है कोरिएंडर. दिस इज कोरिएंडर मींस धनिया. आप जो हरी सहरा धनिया खाते हैं तो ये वो है कोरिएंडर. ये भी बहुत आपने देखा है, सॉफ्ट होता है, स्मॉल होता है और ग्रीन होता है. तो ये सब क्या कहलाते हैं, दिस दे आर कॉल्ड हर्ब्स. नेक्स्ट है सम प्लांट्स आर वेरी वीक. कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, बहुत वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं. दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन. ये क्या होता है, ये अपने आप खड़े भी नहीं रह सकते. दे क्लाइम ऑन अदर प्लांट्स फॉर सपोर्ट. और उन्हें क्या है, उन्हें चढ़ाने के लिए हमें किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत होती है. दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. और वो क्या कहलाते हैं, क्लाइंबर्स कहलाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी चीज़ के सहारे से हम चढ़ाते हैं. जैसे मनी प्लांट, आपने घरों में देखा होगा, मनी प्लांट है वो अपने आप से ऐसे नहीं उग सकता, उसे हमें किसी चीज़ के सहारे से लगाना पड़ता है. स्वीट पी, ये क्या है, स्वीट पी मटर. ओके, दिस इज ग्रेप वाइन. ये क्या है, ये देखिए अंगूर है, ग्रेप वाइन. ये अंगूर की बेल है जो कि अपने आप से नहीं चढ़ सकती, इसको भी हमें किसी चीज़ की सपोर्ट देनी पड़ती है. ओके, सम प्लांट्स आर सो वीक दैट दे क्रीप अलोंग द ग्राउंड. और कुछ प्लांट्स वो इतने वीक होते हैं, दैट दे क्रीप अलोंग द ग्राउंड, जिन्हें की जमीन में हमको बढ़ाने के लिए जमीन में फैलाना पड़ता है. दे आर कॉल्ड क्रीपर्स. और वो क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, क्योंकि वो अपने आप में जो होते हैं वो इतने भारी होते हैं जो कि आप वो पेड़ पर ऐसे नहीं बढ़ सकते, तो उन्हें हमें जमीन में नीचे फैलाते हैं. जैसे पम्पकिन, कद्दू, आपने देखा है कद्दू क्या होता है, वो जो अपने आप में हैवी होता है तो उसे हमें ज़मीन में फैलाना पड़ता है. और वाटरमेलन, वाटरमेलन माने तरबूज, वो भी, उसे भी हमें ज़मीन में करते हैं. ठीक है, प्लांट्स आर यूजफुल टू अस. और प्लांट्स क्या हैं, वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं. दे गिव अस फूड ग्रेन्स. वो हमें क्या क्या देते हैं, फूड ग्रेन्स देते हैं. टी एंड कॉफ़ी मिलती है हमें, चाय और कॉफ़ी. कॉटन, रुई मिलती है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और प्लांट से ही हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलती हैं. ओके, डू यू अंडरस्टैंड, रेड दिस चैप्टर एट योर होम.
ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।